हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अपने डेबिट कार्ड से फ्लिपकार्ट से कैसे ईएमआई में प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, लाइव प्रोसेस दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए डायरेक्टली हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको लाइव प्रोसेस दिखाते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप फ्लिपकार्ट पे डेबिट कार्ड अगर ईएमआई चाहते हो तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी जो भी है बैंक की, वो आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट सेक्शन पे जाइए। अकाउंट सेक्शन पे जाने के बाद जो भी आपका कार्ड वगैरह रहता है, जो भी आपके बैंक के कार्ड रहते हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कार्ड कर सकते हो। जो भी आपका कार्ड नंबर रहता है, मंथ ईयर रहता है, कार्ड होल्डर नेम रहता है, कार्ड लेबल जैसे वीसा, रुपए, मास्टर, यहाँ पे डाल के आपको वो कार्ड सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ कार्ड ऐड किए हैं। तो ये सब करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको एक एसएमएस करना रहता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप मैं आपको बताता हूँ, 1575 पे एक एसएमएस करना है, जैसे कि DCEMI करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे DCEMI। जैसे आप इस मैसेज को अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से मैसेज करोगे, जो कि फ्लिपकार्ट पे भी ऐड है एंड अपने बैंक अकाउंट पे भी सेम नंबर ऐड है, उसी से आपको मैसेज करना है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं जैसे ये मैसेज उनके पास चला जाए, वहाँ से क्या रिप्लाई आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से एक मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल टू अवेल ईएमआई ऑन यूर HDFC डेबिट कार्ड। तो हमने HDFC का डेबिट कार्ड फ्लिपकार्ट पे ऐड किया था, तो इसके लिए उनको पता चल गया कि हमें HDFC बैंक का जो हमारा डेबिट कार्ड है उस पे डेबिट कार्ड ईएमआई हम कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले कैसे ऑर्डर वगैरह करना है, तो आपको वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो भी हमको प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि हमें एक मोबाइल लेना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मोबाइल सर्च करके। जैसे कि हमें सैमसंग का A50 मोबाइल लेना है। ओके, तो ये कुछ लोडिंग ले रहा है। तो ओके, तो अभी देखिए ये वाइट कलर का हमको लेना है, 18,490 रुपये का ये हमको मोबाइल ख़रीदना है। तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे भी आपको चेक करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड फ्लिपकार्ट EMI अवेलेबल है। इजी पेमेंट ऑप्शन पे आपको देखना है कि यहाँ पे डेबिट का EMI अवेलेबल है क्या इस प्रोडक्ट को। तो चलिए हमको बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे वो करते हैं लाइव प्रोसेस। तो आपको स्किप कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको कुछ एड्रेस वगैरह पूछेगा यहाँ पे, तो आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट के ऑप्शन पे जब आओगे आप, तो आप देख सकते हो आपके जितने भी कार्ड वगैरह रहेंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, दूसरा एक्सिस का कार्ड है, जैसे कि यहाँ पे सब जितने कार्ड है वो सब यहाँ पे ऐड है, वो दिखा रहा है पेमेंट के लिए आपको कितना डिस्काउंट वगैरह इस कार्ड पे पड़ेगा। ओके, तो अगर ये मोबाइल लिया तो मेरे जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उस पर 925 रुपये का कैशबैक मुझे आ जाएगा। तो हम चलते हैं अभी आपको डेबिट कार्ड EMI का दिखाते हैं। तो आपको EMI इंस्टॉलमेंट पे आपको क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर। जैसे कि हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट मनी का भी EMI अवेलेबल है, जो कि जस्ट मनी भी EMI में प्रोडक्ट देते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी आपको ये EMI में, ये भी बेस्ट साइट है आपको डेबिट कार्ड EMI प्रोवाइड करने के लिए। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने HDFC डेबिट कार्ड को कहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है, आप नीचे आ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो HDFC बैंक डेबिट कार्ड EMI, हमको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर हमने 6 मंथ सेलेक्ट किया तो हमें लगभग कितना इंटरेस्ट जाएगा, 834 रुपये का इंटरेस्ट जाएगा। अगर हमने यहाँ पे जितने भी मंथ तक हमने अगर 18 मंथ तक सिलेक्ट किया तो हमें 16 पर NM तक हमको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, मतलब 2430 रुपये हमको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे जितने का हमको मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP वहाँ पर डालिए और आपका ऑर्डर हुए वो प्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।